नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक 48 ईयर्स ओल्ड पेशेंट को लेके आ रहा हूँ। इन पेशेंट को 20 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। इनको इरेक्शन आता तो था, वो भी पूरी हार्डनेस नहीं आती थी, और साथ में वो जल्दी ही डाउन हो जाता था। डिस्चार्ज से पहले ही पेनिस डाउन हो जाता था। ये मेरे पास नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी पूरी कहानी सुनते हैं। मैं 20 साल से ये प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ, और 20 साल से इरेक्शन तो आता था लेकिन डाउन भी हो जाता था जल्दी से। और मैंने बहुत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी किया है लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो यूट्यूब में मैंने सर का वीडियो देखा और मैंने इम्प्लांट करने का डिसीजन लिया, और मैं यहाँ आया ही तो कल से आया हूँ। कल सर्जरी हुई मेरी और आज दूसरा दिन है ड्रेसिंग करके। आज कोई पेन भी कोई नहीं। आज तो मुझे ये बताओ कि आपके, जैसे आपने बताया कि 20 साल से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी, तो आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था? प्रॉब्लम तो हो रहा था लेकिन क्या है, दवाई के ऊपर चला था। तो दवाई से फ़ायदा हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, फायदा नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अभी आपने जब फिर इम्प्लांट लगाने का सोचा तो उस टाइम कुछ डर लग रहा था आपको इम्प्लांट के बारे में? हाँ, डर तो लग रहा था लेकिन जब सर्जरी हुई तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया, तो पता नहीं चला। वो तो एनेस्थीसिया होता है। हाँ, और उसके बाद जब ड्रेसिंग खोली आज, तो यूरिन कैसा हो रहा था आपको? हाँ, यूरिन ओके हो गया। अभी यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और आपको, आपने इम्प्लांट को टच किया होगा, हार्डनेस कैसी है? हार्डनेस है और लेंथ भी बढ़ा है। लेंथ भी बढ़ा है आपका। WH-15 इम्प्लांट लगाया था आपका। सर्जरी से पहले अराउंड 5 inches लेंथ था, सर्जरी के बाद 6 inches हो गया। हाँ, और साथ में बेंड करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं प्रॉब्लम नहीं। पैंट के नीचे आराम से छुपा सकते हो? आराम से छुपा रहा हूँ और चल भी रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गुड। तो जैसे आपके जैसे और भी पेशेंट्स हैं जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, और वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? आयुर्वेदिक तो हमेशा का पर्याय नहीं है और इम्प्लांट ही हमेशा का पर्याय है, तो इसलिए हम इम्प्लांट ही करना चाहिए। हाँ, मतलब इम्प्लांट लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है। आप दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं आपको, और आप फिर भी ठीक होना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे मायूस मत होइए। पिनाइल इम्प्लांट है जिससे आपको 100% गारंटी है कि सक्सेस मिलेगी। सो और आपने एक चीज़ तो बताई नहीं कि आपको जैसे सर्जरी करी तो इसमें आपको इंश्योरेंस का भी हेल्प मिला था? हाँ, मेरे को इंश्योरेंस भी मिला है। इप्को टोक्यो का मेरा इंश्योरेंस है तो उसका भी मुझे फायदा मिला है, तो उसमें पूरा कवर हो गया। पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हो गया। सो ठीक है। तो दोस्तों, आपने इनको देखा कि इन्होंने अपनी सर्जरी कराई, अभी सर्जरी करा के काफ़ी खुश हैं, कोई पेन नहीं हो रही, और कपड़ों के नीचे आराम से इम्प्लांट छुपा पा रहे हैं, हार्डनेस अच्छी आई है, लेंथ अच्छी आई है, और साथ में इनको सर्जरी के टाइम पे इंश्योरेंस का भी काफ़ी हेल्प मिला। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।